नमस्ते भारत, भारत न्यूज 24 और हम अभी आ गए हैं नेपाली नगर, जहां पे समझिए कि जिस तरह से यहां पे जो भी यहां पे आदमी रहते थे उनका घर को तोड़ा गया और यहां जन प्रतिनिधि के तौर पे जनता जनार्दन के बीच में भावी मेयर प्रत्याशी आए हुए उपेंद्र कुमार सिंह जी, जो सहानुभूति के तौर पे अभी महतो जी से भी बात हुआ, यह सीधा अपना दर्दनाक हादसा, दर्दनाक सरकार की तरफ से जो मुहिम जो चलाया गया घर तोड़ने का, यह बहुत ही बड़ा निर्दलीय हादसा किया गया कि गरीब आदमी अब यहाँ रह कैसे सकता है, और जल और इलेक्ट्रिक तो यहाँ पे है लेकिन जल नहीं पहुंच पा रहा है। इसी बीच अब हम यहाँ बात करते हैं भावी मेयर प्रत्याशी उपेंद्र कुमार सिंह जी हैं कि किस तरह सरकार ने जो एक्शन लिया, क्या की रहा है। बात ऐसा है कि अभी जो फिलहाल यहाँ का जो दृश्य है, बहुत दर्दनाक घटना इसको कहा जा सकता है। ये नेपाली नगर नहीं, ये नया बिहार है, नया पटना बसा हुआ है और यहाँ सरकारी जो भी सुविधा होती है सारा दिया हुआ था। यदि आज ये अवैध है तो सुविधा कैसे मिला। दूसरी चीज, यहाँ जो लोग बसे हुए हैं, एक हमारे बीच धनेश्वर महतो है, ये बताइए इनको रहने का, खाने का, पीने का पानी तक मुसीबत नामुमकिन हो रहा है। जो मान लीजिए कि आज हर एक रात में यहाँ अपराधी लोग घूमते हैं और जितने चौकट के वाड़ी पल्ला जो भी यहाँ प्रॉपर्टी है उठाने के लिए आते हैं, और इनके साथ अभी घटना घटा रात में, लेकिन अभी तक ये सुरक्षित हैं। सरकार इनके पीछे जो है अपना सहानुभूति बरते और इनका रहने सहने खाने का व्यवस्था करे। दूसरी चीज, अभी जो न्यायालय का आदेश हुआ है उसके तहत जो रोक लगाया गया है, हम सरकार से मांग करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि इसको बराबर के लिए रोक लगाया जाए और जो भी नुकसान हुआ है जिनको भी, उनको क्षतिपूर्ति किया जाए और फिर से नेपाली नगर को बसाया जाए। और साथ ही साथ अभी जो भी बहुत से लोग यहाँ पड़े हुए हैं जो तंबू दे करके हैं, और मान लीजिए कि एक रूम में है, लैट्रिन बाथरूम तो करते हैं किसी तरह से, लेकिन भोजन के लिए भी इनके पास व्यवस्था नहीं है। पानी पीने के लिए होटल से जाकर के 2 बोतल पानी लाते हैं, वो भी पैसा नहीं है इन लोग के पास। दूसरे लोग घर वाले कुछ मदद उदद कर रहे हैं लेकिन वो भी हादसे का शिकार होने के डर में है, वो भी अपने आफत बचाने के फेरे में है। तो इस तरह से यदि होती है तो नेपाली नगर नहीं पूरे राजीव नगर साफ हो जाएगा। मांग करता हूँ इन लोगों को फिर से यहाँ बसाया जाए और जिस तरह से रोड लाइन पानी का सब व्यवस्था दिया गया था पूर्णतः उसको लागू किया जाए। चलिए, और यहाँ सीधा देखिए कि जिस तरह से महतो जी ने अपने बताया कि इनका गृह प्रवेश यह किए थे और घर को भी यहाँ पे तोड़ा गया। अब इनसे हम सारी कहानी के बारे में जानेंगे कि किस तरह से क्या हुआ आपके साथ, क्या क्या घटना हुआ बताएं। हाँ सर, 2015 में मैंने जमीन लिया था गाँव के पैतृक संपत्ति को बेच कर, और वहाँ से मैं आया कि यहाँ पर बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और बच्चियाँ पढ़ेगी। तो ऐसा हुआ कि जब हम बनाने गए तो यहाँ पर जो प्रशासन के कुछ पैसे का मांग, अमुक पैसा देना, ये सब करते हुए हम बना किसी तरह तो बना लिए। उसके बाद में जिधर तिधर से पैसा लेके और बनाए हैं, बना कर जो है कि जैसे हम शुक्रवार को गृह प्रवेश किए, शनिवार को रहे और सुबह रविवार को जो है कि बुलडोजर आती है 17-18, जिसमें कि पहला रुख मेरे तरफ करती है और वहां से टान के मेरे को अलग कर दिया जाता है। मैं कहा सामान मेरा भीतर में है, निकालने का मौका दिया जाए सर, लेकिन वो निकालने का नहीं है, टोपी पहने हुए थे नाटे करके, मैं नाम नहीं जानता, वो जो है कि मेरे को नट्टी धर के धकेल दिए। अब बताइए जो हम क्या करें, हमको अभी एक पैसा नहीं है जो मैं खाना वाना खाऊं, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, मैं कैसे जीऊंगा, कैसे क्या करूंगा भगवान जाने, लेकिन मैं तो आत्मदाह यही करूंगा, यही सोच के मैं पड़ा हूँ। चलिए, और भी यहाँ पे सीधा समझिए कि दिनेश जी से हम बात करेंगे कि क्या यह जो सरकार की जो आप देख सकते हैं कि यह जो दृश्य है, यह घर को जिस तरह से बुलडोजर के माध्यम से 40 से 50 घर को तोड़ा गया, इसी बारे में हम दिनेश जी से भी बात करेंगे कि यह जो सरकार की जो प्रक्रिया है, नेपाली नगर को जिस तरह से ध्वस्त किया गया, क्या आप चाहते हैं नया बिहार फिर से नया नेपाली नगर बना सकेगी सरकार? मैं चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो मुहिम जो चलाया गया है सरासर गलत है। पहले सूचना जाना चाहिए, नोटिस देना चाहिए और अपने सुरक्षित स्थान पर इन लोगों को व्यवस्था किया जाना चाहिए रहने का। ये जास्ती हुआ ऐसा नहीं होता है,
सरकार जो बिहार सरकार कहती है कि कोई घर कोई भी जो आदमी है जो भूखा ना सोए, यहाँ जल भी ना भूखा सोना पड़ रहा। और हम हमारे बीच जो महतो जी बोल रहे हैं कि हमको अब नहीं कुछ होगा, तो आत्मदाह करने पर लोग पड़ा हुआ है। और सरकार बड़ी बड़ी हाँकती है कि बड़ा बड़ा ये कहती है कि लोग सोया नहीं, सभी को मुहैया भोजन और पानी का बिजली का सबका व्यवस्था हो रहा है, या पानी पीना बिना मर रहे हैं। और आत्मदाह करने के लिए अपने कोई गुजारा नहीं हो रहा, आत्मदाह करने के लिए ठान रहे हैं। मैं कर्णी सेना के संगठन महामंत्री बिहार प्रदेश, मैं कहाँ है आपका घर? अच्छा, आप नमूना है, देखिए यहाँ पर झंडा पड़ा हुआ है इधर। देखिए ये व्यक्ति है जो अपना घर दिखा रहे हैं, साथ में पटना नगर निगम से मेयर प्रत्याशी साथ में है, ये जन प्रतिनिधि के तौर पे इनको देख मिलने आए हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा बच गया है, यहाँ पर फिर पूजा किए थे तो उसका खासा। यही आपका घर है जो तोड़ दिया गया? ये पूरा घर फीट दिया है, पंपिंग चला के। देख ले किस तरीके से ये हालत है, अभी तो ये शाम का वक्त है। वहाँ होता है ना, तो वहाँ पे वो लोग का किए जो उसको नाला वाला बना रहे थे तो हटा दिए। हमारा सबका घर पड़ता है पैतृक, तो वहाँ का जमीन था, जमीन जब लिए तो इसमें बनाने के लिए खर्चा होता ही है, तो जमीन जो है कि ना से 3 कट्ठा में बाइक। अच्छा, उसमें भी नहीं हुआ, यहाँ का तो खर्चा बहुत उबान है। तब दूसरे आदमी से पैसा लिए, अभी सीमेंट वाला मेरे से 1 लाख रुपया पाएगा गौतम जी। अच्छा जी, ऐसे ऐसे बहुत पैसे पाएंगे मेरे से। अब बताऊँ, मैं स्वस्थ हुआ मैं कमा के दूंगा, यहाँ पर कुछ काम करूंगा। अभी कहाँ पर रह रहे हैं? यही तो टूटा वाला घर में, इसमें हाँ एक आदमी का घर है। अच्छा एक बात बताइए, ये जो पीला वाला घर है जो देख पा रहे हैं हम, हम जूम करके दिखा रहे हैं, इसमें आप कल रात में सो रहे थे, तकरीबन कितने बजे लोग आए थे? लोग आए थे वो 9:30 के बाद में। 9:30 के बाद में बाइक से थे? हाँ बाइसाइकिल से आए थे। साइकिल से आए थे, कितने लोग थे? तो उसको मैंने ऐसे ऐसे कर रहे थे। अच्छा ड्रिंक किए हुए थे? हाँ, मैंने वो क्या चीज पी थी। अच्छा जो भी नशा का कुछ भी किए हुए थे। और क्या आपको बोले? कि वो बोल रहे कि तुम भीतर डूब जाओ, एकदम उधर चल जाओ। उनके हाथ में कुछ गन वन भी था? हाँ गन था बकायदे। अच्छा अब बताइए सर, अब हम रात में कैसे हम रहेंगे? न बिजली है, अगर बिजली भी रहता तो दो रोटी बना के खाता, अगर यदि कोई सहायता होता मिल जाता आप लोग से तो दो रोटी बना के खाता। अकेले रहते हैं? जी अकेले हूँ मैं, बच्चे लोग तो मैंने जो है कि ना से छपरा है। क्या नाम हुआ आपका? हरेश्वर प्रसाद महतो। हरेश्वर जी, जी तो रात में रहते कल ऐसा घटना घटा, आज फिर आप सो रहे हैं? जी अब का कहाँ जाएं, अब अभी 3,000 रुपया ले लेगा मेरे को, अब पैसा तो है नहीं मेरे पास में, मैंने 3,000 रूम कहीं लूंगा तो 3,000 रुपया लेगा। अच्छा, उसके बाद में फिर खाने वाने का सामान चाहिए। अच्छा रात में प्रशासन की गाड़ी गश्त के लिए आती है कि आप लोगों के साथ? अभी तक तो नहीं देखे हैं, जो जिनसे घटना हुई है उस दिन से नहीं आया, प्रशासन की गाड़ी भी नहीं आती है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर अभी तक नहीं आई है। अब हमारा सो जाने के बाद आई होगी तो मैं नहीं जानता, अगर मैं जिस समय, लेकिन ऐसे दिन भर लेकिन आपके पास जो आपराधिक तत्व के आदमी जो आपको गन दिखा के बोल रहे थे सो जाओ मुझे लूटने दो, तो मान लीजिए वो कितने 9:30-10 बजे के? 9:30-10 बजे के बात है जी। अरे देखिए मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे हमारे साथ मेयर प्रत्याशी, आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? उपेंद्र कुमार सिंह। ये अभी आए हैं, शाम का वक्त है और यहाँ पे बात कर रहे थे महतो जी से, और ये अपनी रात की घटना हमें बयां कर रहे हैं कि इनको लोग अपराधी तत्व के गन पॉइंट पे इनको लेके बोल रहे थे कि हमें लूटपाट के घटना को अंजाम देने दिया जाए। और साथ में मैं आपको बतला दूं कि यहाँ पे पुलिस की गाड़ी जिस दिन से मकान गिराया गया उसके बाद इनका कहना है कि तकरीबन 10 बजे तक इन्होंने नहीं देखा। देखा है क्या 10 बजे? 10 बजे अब उसके बाद आया ये नहीं बता सकते। बहरहाल मैं फिर आगे दिखाता हूँ क्या कुछ है। कुछ नहीं कर पा रहे, कोई साधन नहीं मिल रहा। आपके घर में और कोई नहीं है मर्द? ना। आप अकेले हैं? हाँ। बच्चा उच्चा? बच्चा का शादी दिए है अभी। तो यहाँ रात में अकेले रह रही, डर नहीं लगता है? तो सामान ही नहीं तो कहाँ जाए, अभी रूम भाड़ा लेने के लिए जाए तो रूम ही नहीं मिलता है, कोई सामान ही नहीं, सब दब गया है यहाँ पर। सब दब गया है? हाँ। देखिए ये महिला है कह रही है कि इनका सामान यहाँ दबा हुआ है और इनके साथ कोई नहीं है, हालांकि ज्यादा बोलने की
स्थिति में ये नहीं है, फिर भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को। रहिए, देखिए देखिए यहाँ पे ये जो टूटा हुआ घर है और यहाँ पे अभी ये जनप्रतिनिधि के तौर पर आए हैं देखने, इसी में शायद आप रहते हैं महतो जी? में अभी रहने दिए हैं लोग, बोले कि जो यहाँ रहो आज जो है कि ना से हम लगा देंगे बिजली वगैरह, तो घर वाले ही लोग बोले हैं यहाँ के जो घर वाले आप रहो आपको व्यवस्था करेंगे। तो कब करेंगे, 3 दिन तो हो गया बिना खाए, अब कब होगा? एक सिलेंडर भी था, सिलेंडर भी सब सामान सब उसी में। पानी कहाँ से पीते हैं? अभी होटल से लेके आ रहे हैं, मतलब यहाँ पानी का कोई व्यवस्था कोई व्यवस्था हम नहीं है ना, नहीं। कोई इसका साधन नहीं। आप कहाँ से पानी लाती हैं? खरीद के? हम तो कोठी से मांग के लाते हैं। अच्छा, दूसरे के घर से? हाँ। और यहाँ एक घर उस दिन हम देखे थे जिसमें पानी का कुछ नीचे पाइप वाइप लगा हुआ था जिसे लोग भर रहे थे, बच्ची लोग महिला लोग, उस साइड में थोड़ा दूर में उधर साइड में होगा। तो उधर साइड में देखिए, मेन बात है कि इधर से जाने में ना, अब हम मेरा पैर से अस्वस्थ है। अच्छा, अगर मैं पैर से यदि मान लीजिए खला ऊंचा पड़ गया ना तो मेरा पैर में टूटने का भय है, इसलिए डर है, मैं रात को नहीं जाता हूँ, तो 2 बोतल लाता हूँ वही पी के रहता हूँ। तो सरकार द्वारा बोला गया था हाईकोर्ट की तरफ से जो स्टे लगाया गया है, सर आप तो सुविधा जो पानी और बिजली का जो व्यवस्था जो हमारे पास तो होती नहीं है, तो नहीं है, लेकिन पानी का व्यवस्था एकदम खत्म है और इनका सबका माली बेहाल है। और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको खाने पीने और रहने का व्यवस्था